कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया किसानों का चक्का जाम खत्म हो गया है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया था। कई जगह किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया था तो कई जगह पर सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने फिर दोहराया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। टिकैत ने कहा कि पूरे देश में गैर राजनीतिक आंदोलन होगा। और क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आप सुनिए। सरकार से हमारा यह है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। सरकार समझ जाए हम बातचीत के लिए तैयार है। कंडीशनल बातचीत होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पर लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं। ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा।